किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आह्वान पर आज महागठबंधन द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। वहीं पटना सिटी के कुम्हरार इलाके में राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया, जहां राजद नेताओं ने स्लोगन भरी तख्तियां लिए, तीन कृषि काला कानून को वापस लिए जाने की मांग की। वहीं राजद नेताओं का कहना है कि हम लोग को अन्नदाता किसान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों को घसीट घसीट कर मारा जा रहा है, जबकि किसानों का मांग जायज है। तीन कृषि काला कानून को अगर वापस नहीं लिया गया तो आगे भी चक्का जाम जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। प्रधानमंत्री के खासम खास आदमी है और अमित शाह के खासम खास आदमी है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खासम खास आदमी है, इसलिए उस पर अभी तक न केस हुआ है न किसी तरह का गिरफ्तारी हुआ है। किसान के काला कानून को ख़त्म करने की साजिश थी बीजेपी का, इसी के तहत उन लोग एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। यादव विश्वनाथ यादव नेता तेजस्वी यादव जी के वाहन पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी, पूरे प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक हम लोग के जो भी कार्यकर्ता हैं वो किसान समर्थन के बिल के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। जो तालिबानी सरकार है, भारत सरकार का केंद्र की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी नारा देते हैं जय जवान जय किसान का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाल किला पर किसने झंडा फहराया, लाल किला पर जो झंडा फहराया वो महागठबंधन का यूपीए का नेता नहीं थे, वो बीजेपी के और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चाहने वाले लोग थे। इसलिए अभी तक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीजेपी के द्वारा उस नवयुवक को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया और अभी तक क्यों नहीं देश द्रोही पर उस पर केस चला, क्योंकि मीडिया के सभी साथी ने यही दिखाया कि ये नरेंद्र मोदी बीजेपी का ये जो लाल किला पर झंडा फहराया है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये कार्यकर्ता ही नहीं, खासो खास अमित शाह के साथ फोटो भी प्रेस के साथियों ने दिखाया है। हम मांग करते हैं कि जो किसान बिल है, जो तीनों बिल है, वो क्या किसान विरोधी है और देश विरोधी है। जब तक किसान बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग महागठबंधन के तमाम क्रांतिकारी साथी, हमारे नौजवान कार्यकर्ता किसान के साथ हैं, और जब तक नहीं मांग पूरी होगी जब तक हमारे तेजस्वी यादव भी बैठने वाले नहीं हैं। किसान के समर्थन में हम लोग एक साथ हैं। मानव श्रृंखला का मकसद है कि हमारे किसान भाई भाई नहीं, हमारे भगवान हैं, और उस भगवान को भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी अमित शाह मार लाठी को बॉर्डर पर से भगाने का काम किया है, जो कि हमारे अन्नदाता भगवान है। आज पूरे बिहार, पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन किसान के साथ है, और मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि काला कानून जो तीन गो है, ये तीनों काला कानून वापस करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने का काम करे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।